प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा एडमिशन के नाम पर मनमानी फीस वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं, ड्रेस और कोर्स भी निर्धारित दुकान से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों को लूटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों ने गुरुवार को शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कई निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने कई बार शिक्षा निदेशालय के बाहर हल्ला बोला। इस बात को देखते हुए भारतीय विद्यार्थी सेना ने सरकार पर निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। शिवसेना के भारतीय विद्यार्थी सेना पदाधिकारियों ने निजी स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए उप निर्देशक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समीप धंतोली गार्डन स्थित शिक्षा अधिकारी डॉक्टर वैशाली जामदार को ज्ञापन भी सौंपा। संयोजक प्रवीण शर्मा ने बताया कि कोरोना की आड़ में निजी स्कूलों ने 50% तक फीस बढ़ाकर अभिभावकों की कमर तोड़ दी है। 2021 में निजी स्कूलों की ओर से की जा रही 50% तक की वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। निजी स्कूल अब खुलकर मनमानी करने पर उतर आए हैं। स्कूलों ने कंप्यूटर फीस दोगुना कर दी है। जो अभिभावक फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कुछ निजी स्कूल फीस बढ़ाने पर अपने स्टाफ को पूरा वेतन तक नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थ्यांवर अत्याचार चालणार नाही, पालकांवर अत्याचार चालणार नाही। विद्यार्थी आणि पालक हे आमचे उज्ज्वल भविष्य आहे। विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी शिवसेना मैदानावर येणार आहे।